हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी धारा जा रही है स्कूल, ड्रेस उसका आ गया है, ये देखो अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर। आज से रेगुलर 8 से 12 का टाइम हो गया है स्कूल का। तो धारा ने अभी चाय नाश्ता सब कर लिया है, नहा धोकर तैयार भी हो गई है, तो अभी जा रही है स्कूल। और आप सब लोगों को भी बाय कर रही है, बाय, जय श्री कृष्णा। तो मेरा भी चाय नाश्ता सब हो गया है, मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है, पूजा मेरी हो गई है। तो अभी मैं घर के सारे काम करूंगी और धारा जाएगी स्कूल, मैं 12 बजे धारा को लेने जाऊंगी। बाय सारा काम खत्म हो गया है। और यहाँ सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये अचार के लिए मैंने गाजर सुखाए हैं, जो आम का अचार बनाऊंगी मैं गुड़ वाला, उसके लिए ये देखो। और सारा काम खत्म हो गया है अच्छे से, ये देखो। तो अभी थोड़ी देर में बैठूंगी, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी, दाल चावल रखूंगी। आखी नहीं आया भाई। तो अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। दाल मैंने उबाल ली है, यहाँ चावल पक रहे हैं मेरे, और मैं सब्जी कट रही हूँ। आज बैंगन और आलू की सब्जी बनाऊंगी, और गाजर का अचार बनाऊंगी, लहसुन की चटनी वाला।
यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर हो गई है तैयार, आलू बैंगन की। और यहाँ पर है दाल, चावल, और ये मैंने जो गाजर छिलके जो कट करके इंस्टेंट अचार बनाया है वो है लहसुन वाला। इसमें मैंने धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा तेल और लहसुन वाली चटनी ऐड की थी, और उसमें ही मैंने ये अचार बनाया है। और आटा मैंने लगा दिया है, अभी आटा लगा कर रख दिया है। अभी मैं जा रही हूँ धारा को लेने के लिए, और क्योंकि टाइम हो गया है उसका, फिर आके आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ पर देखो तारा के पापा कितना सारा नाश्ता लाए हैं। ये मेरे हाथ में है, ये है नमकीन सेव, और ये है नमकीन वाली गुंदी, सेव गुंदी, और ये एक मिठाई जिसे हम मोनथाड़ बोलते हैं वो है। तारा को बहुत अच्छी लगती है तो वो लाए थे जूनागढ़ से, और ये मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पर है ये ट्राइंगल बिंगो टमाटो फ्लेवर के, और ये है खाखरा, यहाँ है भुने चने, और आपको नीचे ये है चना चोर गरम, और ये है तिखी वाली सेव गुंदी। ये बहुत जूनागढ़ में बहुत फेमस एक दुकान है, वहाँ पर ये सारी वैरायटीज़ मिलती है सेव की भी। और यहाँ पर है मेथी वाले खाखरे जो छोटे वाले आते हैं, पूरी खाखरा बोलते हैं जिसे वो है, और ये है लहसुन वाले, लहसुन और मेथी के दोनों ही लाए थे तारा के पापा। और यहाँ पर है ये मीठे शक्कर पारे, ये सारी चीज़ें लाए थे जूनागढ़ गए थे वहाँ से। और एक चीज़ और भी लाए थे, ये है एक फल जो अभी इसी सीजन में मिलता है, ये जूनागढ़ में ही मिलता है, यह हमारे शहर में भी कम मिलता है, इसे हम रायनो बोलते हैं। वो खाने में बहुत मीठी होती है, थोड़ी सी चिपचिपी होती है खाने में, वो मुंह में थोड़ी चिपक जाती है पर खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो इसे हम रायनो बोलते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो तारा के पापा जूनागढ़ गए थे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लाए थे, उसे कुछ काम था तो यही मैं बता रही थी। हेलो फ्रेंड, आज सुबह से आप लोगों से बात नहीं हुई फेस टू फेस, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज आपने देखा था सुबह धारा स्कूल जाने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, और अच्छे से वो मुस्कुराती हुई जा रही थी, पर जब वो स्कूल पहुंची और गेट के पास गई उसका रोना चालू हो गया। वो इतनी रोई है आज स्कूल जाकर, पूछो ही मत। उसके पापा बोल रहे थे कि वो जा ही नहीं रही थी स्कूल में अंदर, वो बोल रही थी पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तभी स्कूल जाऊंगी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। पता नहीं क्यों कल शिवरात्रि की छुट्टी थी इसी वजह से, या आज उसे जल्दी उठाया इसी वजह से, कुछ पता नहीं चला क्यों वो रो रही थी। पर मैं जो उसे 12 बजे लेने के लिए गई तब वो बहुत खुश थी और मुझे सारी चीज़ें बता रही थी, मैंने स्कूल में ये किया, मेरी टीचर ने ये कराया, मैंने ये किया, मैंने ये नाश्ता किया। पर जब वो सुबह गई तब क्यों रो रही थी वो पता नहीं चला। और हाँ, एक बात और बतानी थी, आज जब दोपहर से आई है धारा स्कूल से, तब से उसे बुखार हो गया है और सर्दी भी हो गई है, खांसी जुकाम ये सब हो गया है, और अभी इसे सिर भी ज़्यादा दुख रहा है, पैर में भी दर्द है। वो मुझे बार बार बोल रही थी मेरे पैर दबा दो, तो आज यही बात करनी थी। आज धारा दोपहर को स्कूल से आई तभी तो इतनी बहुत खुश थी और सभी बात मुझे बता रही थी, मुझे टीचर ने ये कराया वो कराया। पर उसके बाद खाना पीना हो गया, उसके बाद उसे अचानक से ही बुखार आ गया है और सर्दी जुकाम ये सब हो गया है। तो अभी ये देखो ऐसे ही उसका नोज है, वो खींचती रहती है, उसे यहाँ पर कुछ अटक गया है ऐसा लगता है, गले में खराश जैसा हो रहा है। दवाई मैंने दोपहर को पिलाई थी और अभी रात को भी पिलाऊंगी, वरना कल मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी तारा को ये अचानक से क्या हो गया। सुबह तो कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, और जब स्कूल से आई उसी के बाद ही हुआ है, और उसने दोपहर को दाल चावल ही खाए थे, कुछ ज़्यादा नहीं खाया था। तो यही बात करनी थी आप लोगों से। और अभी तो धारा खेल रही थी, तो अभी हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, और आपको पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर कर देना, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वो रोड के किनारे पर ही मेरा मकान है, तो जो गली होती है वहाँ शाम को बच्चे खेलते रहते हैं, तो उसी की आवाज़ आती है आपको, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो चलो मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ, बाय बाय।